हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूँ सलमान खान के बारे में और उनकी आने वाली फिल्म भारत के बारे में। जी हाँ, इस फिल्म का नाम शायद आपको ना पता होगा, लेकिन आपको बता दूं ये नाम कई महीनों से गूंज रहा था। मैं खुद इस पे कंफर्म नहीं था, लेकिन अब कंफर्मेशन आ गया है। भारत फिल्म डायरेक्ट करने वाले हैं अली अब्बास जफर, जिन्होंने सुल्तान बनाए, और जो अभी टाइगर जिंदा है उन्हीं की फिल्म है जो जिसमें सलमान खान नजर आने वाले हैं। यानी कि तीसरी फिल्म होगी सलमान खान के साथ भारत, अली अब्बास जफर की और सलमान खान के साथ में। और ये फिल्म अप्रैल 2018 से इसकी शूटिंग चालू होगी, यानी कि आप समझ ही गए होंगे फिल्म की शूटिंग खत्म होते होते दिसंबर हो जाएगा 2018 का। उसके बाद 2019 ईद को आएगी ये फिल्म, ये खबरें आ रही है। यानी 2018 की ईद तो कंफर्म कर ही ली है रेस थी से, और अब 2019 की भी ईद कंफर्म कर दिए हैं सलमान खान ने। एक चीज यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि सलमान खान कबीर जो खान है उनके साथ काफी फिल्में करते आ रहे थे, लेकिन आई थिंक ट्यूबलाइट फ्लॉप होने के बाद उनसे थोड़ा सा आई थिंक दरकिनार कर दिए, ये मेरी ओपिनियन है। और अली अब्बास जफर को इस फिल्म में डायरेक्ट करने का मौका दिया गया है, तो देखते हैं किस तरह से फिल्म आएगी। और एक और चीज, ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे अतुल अग्निहोत्री, और अतुल अग्निहोत्री के बारे में आपको नहीं पता तो आपको बता दूं, ये सलमान खान की जो बहन है अलवीरा, बड़ी बहन, मतलब सलमान से बड़ी नहीं है, मतलब छोटी ही बहन है। अलवीरा की शादी अतुल अग्निहोत्री से हुई है, अतुल अग्निहोत्री के जाने माने नाम है, तो वो इस फिल्म को प्रोड्यूस करे। यानी घर का ही पैसा लग रहा है वापस से सलमान खान का। देखते किस तरह से फिल्म काम करेगी, कैसा होगा, क्या होगी स्टोरी, जरूर बताऊंगी। भारत नाम से ही स्टोरी लग रहा है कि देशभक्ति से जुड़ी होगी, तो आई होप कुछ अच्छी स्टोरी हो। ऑफकोर्स अच्छी स्टोरी तो होगी ही होगी, और इंतजार रहेगा मुझे। और सलमान खान के जो भी फैंस आए थे उनके लिए बहुत बड़ी खबर दे दिया हूँ मैं, तो कितने खुश है, कितने एक्साइटेड है, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको स्टोरी के बारे में थोड़ा सा अंदाजा है तो या कुछ पता चले तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।